हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं GRSC यानी गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। इसके द्वारा ट्रेड टेक्नीशियन और ग्रेजुएट अप्रेंटिसेस की वैकेंसी निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म है वो 30 सितंबर 2023 से भरना शुरू हो चुका है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 29 अक्टूबर 2023 रखी गई है। जिन कैंडिडेट्स के पास में ITI डिप्लोमा या डिग्री की योग्यता है, वो कैंडिडेट इसमें अपना ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो अपन चलेंगे इसके नोटिफिकेशन पेज पे। नोटिफिकेशन इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। जिस भाषा में कैंडिडेट को सहूलियत हो वो उस भाषा में पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन में अपन चर्चा करेंगे कि किन किन ट्रेड्स को मौका दिया गया है अप्रेंटिसशिप वैकेंसी के लिए, और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। दोस्तों, अप्रेंटिस ट्रेनिंग की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पे अप्रेंटिस ट्रेनिंग की सारी अपडेट आपको एक जगह मिल जाएगी। इसके साथ ही जितने भी टेक्निकल वैकेंसीज या रिक्रूटमेंट निकलती है देश भर में, तो उनकी सूचना भी मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहता हूं। दोस्तों, आप हमारे फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों, हम चलते हैं इसके नोटिफिकेशन पर और जानते हैं सारी डिटेल्स। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, गार्डन रिच सी बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, जो कि भारत सरकार का एक उपक्रम है और यह रक्षा मंत्रालय के अंडर में आता है, इसके द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 01/23 एंगेजमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिसेस, ग्रेजुएट अप्रेंटिसेस एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिसेस। इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की डेट है वो 30 सितंबर 2023 से लेकर 29/10/2023 तक रखेगी। इसमें अपन बात करें तो टोटल 246 सीट्स के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई, जिसमें तीनों अप्रेंटिसेस शामिल है। सबसे पहले आप देख सकते हैं ट्रेड अप्रेंटिसेस, जिसकी टोटल वैकेंसीज की अपन बात करें तो 134 पोस्ट इसकी रखी गई है। XITI कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हो, सबसे पहले डिजिग्नेटेड ट्रेड है, फिर फिडर ITI, NTC ट्रेड है, फिर प्लेसमेंट है। तो इसमें फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, पाइप फिटर, कारपेंटर, ड्रॉट्समैन, मैकेनिकल, कोपा, प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट PASAA, जिसमें कोपा की योग्यता कैंडिडेट के पास होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, पेंटर, मैकेनिक डीजल, फिटर, स्ट्रक्चरल सेक्रेटरियल असिस्टेंट, इंग्लिश मैकेनिक, मशीन टूल मेंटेनेंस, MMTM, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, ICTSM और रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक। दोस्तों, ये इसमें रखी गई है। आगे आप देख सकते हो, आगे प्लेसमेंट दिया हुआ है। ज़्यादातर प्लेसमेंट है वो कोलकाता में दिया हुआ है, कुछ में कोलकाता और रांची दोनों दिए हुए। जो एक से लेकर, तो एस से लेकर जो डी तक है, उसमें कोलकाता और रांची में प्लेसमेंट होगा, बाकी सभी में कोलकाता में प्लेसमेंट दिया है। ड्यूरेशन की अपन बात करें तो 12 महीने के लिए अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग होगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देखें तो कैंडिडेट वो ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट यानी AIT पास आउट होना जरूरी है, उनके पास NCVT का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो दोस्तों, इसमें जिन कैंडिडेट के बाद में NCVT का सर्टिफिकेट वो इसमें अप्लाई कर सकता है, जिन कैंडिडेट्स की अभी ट्रेनिंग चल रही है वो इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एज लिमिट की अपन बात करें तो एज लिमिट मिनिमम 14 वर्ष एज रखी गई है, मैक्सिमम 25 वर्ष एज रखी गई है। SC ST OBC और फिजिकली हैंडीकेप कैंडिडेट को इसमें छूट दी गई है। अब कैंडिडेट है उनको सबसे पहले अप्रेंटिस पोर्टल के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद कैंडिडेट को आप देख सकते हो apprenticeindia.gov.com / कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर जाकर सबसे पहले कैंडिडेट को अपना रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। जिस कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन है वो पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर ले। जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है वो उनको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं, वो सीधा अप्लाई कर सकते हैं। फिर आगे आगे ट्रेड अप्रेंटिस फ्रेशर यानी जिन कैंडिडेट के पास में ITI की योग्यता नहीं है, वो कैंडिडेट भी इसमें ट्रेड अप्रेंटिसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी टोटल पोस्ट की बात करें तो 40 सीट रखी गई है। फिर ट्रेड कौन कौन से, फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, पाइप फिटर, मशीनिस्ट। इसकी ट्रेनिंग अवधि एज पर अप्रेंटिस एक्ट रखी गई है, ट्रेनिंग है वो कोलकाता यूनिट में इनको दी जाएगी। कैंडिडेट वो 10वीं क्लास पास होना जरूरी है, और जो ITI पास आउट कैंडिडेट है या जो अभी ITI के लिए जिन्होंने अपना एडमिशन ले लिया है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, यानी इसमें बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट होने जरूरी। एज लिमिट 14 से 20 साल कैंडिडेट की होनी जरूरी। इन कैंडिडेट्स को भी अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। उसके बाद में बात आती है ग्रेजुएट अप्रेंटिस, इसकी टोटल वैकेंसीज है वो 25 रखी गई है।
इसमें आप देख सकते हो सबसे पहले डिसिप्लिन दिया और इंजीनियरिंग का, इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिविल, ये चार प्रकार के इसमें ट्रेड्स हैं, डिसिप्लिन है। अब इसमें कैंडिडेट के पास में डिग्री होनी ज़रूरी है इन इन फील्ड में। उसके बाद में इनके जो ट्रेनिंग अवधि है वो भी 12 महीने की होगी और कैंडिडेट डिग्री होल्डर्स होना ज़रूरी है। और जिन कैंडिडेट ने वर्ष 2021-22 और 23 में जिन्होंने ये डिग्री प्राप्त की वही कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। जिन कैंडिडेट्स की पहले ट्रेनिंग हो चुकी है वो इसके लिए अप्लाई नहीं है। जिनके एक साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो भी इसके लिए अप्लाई नहीं है। जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है इंजीनियरिंग में, से एमई, एमटेक, एमबीए कर रखा है, वो भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इनकी ट्रेनिंग भी कोलकाता में ही की जाएगी। एज लिमिट 14 से 26 वर्ष रखी गई है। इन कैंडिडेट्स को एनईटीएस पोर्टल के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। जिन कैंडिडेट का अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ एनईटीएस पोर्टल पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.nitseducation.gov.in। इनके ऊपर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। फिर आगे बात आती है टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप, इसकी टोटल वैकेंसीज के ऊपर बात करें तो 47 वैकेंसी। इसमें भी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन, सिविल ट्रेड्स के लिए वैकेंसी निकाली गई। इसकी ट्रेनिंग अवधि 12 महीने रखी गई। कैंडिडेट्स के पास भी रिलेटेड जो फील्ड है उसमें इंजीनियरिंग का डिग्री होना जरूरी है, 2021 डिप्लोमा होना जरूरी है। और जिन कैंडिडेट्स के पास डिप्लोमा 2021-22 और 23 में जिन्होंने ये क्वालिफिकेशन प्राप्त किया वहीं इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। जिन कैंडिडेट्स के पास में इंजीनियरिंग की डिग्री है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इन की जो ट्रेनिंग है वो रांची और कोलकाता दोनों जगहों में से कहीं एक जगह हो सकती है। एज लिमिट की बात करें तो 14 से 26 वर्ष लिखी गई। इन कैंडिडेट्स को भी नेट्स पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। एससी एसटी कैंडिडेट को यहाँ पे 5 साल की छूट है। ओबीसी नॉन क्रीमिलियर को 3 साल की, फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट को 10 साल की यहाँ पे छूट दी गई। अब अप्लीकेशन प्रोसीजर है तो कैंडिडेट को सबसे पहले तो जो डिटेल्स दी हुई है नोटिफिकेशन वो सारी केयरफुली रीड करनी है। उसके बाद कैंडिडेट को जो जीआरएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है www.grse.in के ऊपर जाना है। उसके बाद में ये आगे एक लिंक दिया हुआ है job apply.in grse 2023 ऐप, इसके थ्रू इसके कैरियर सेक्शन में जाके और कैंडिडेट को सारी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए अपना ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट करना है। अप्लीकेशन फॉर्म वो ऑनलाइन मोड में ही लिया जाएगा। इसके जो फॉर्म भरेगी तो लास्ट डेट वो 29/10/2023 रखी गई। कैंडिडेट के पास वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होनी चाहिए, स्कैन कॉपी जो पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ वो होनी चाहिए, और जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है वो कम से कम अगले 1 साल तक एक्टिवेट होनी जरूरी है। क्योंकि जैसे आप अप्लाई करोगे तो इसमें आपकी ईमेल आईडी ही वो यूज़र आईडी बनेगी और आगे आपके इसी के थ्रू आपको इन्विटेशन मिलता रहेगा। अप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद कैंडिडेट को जो अप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट अपने पास रखना जरूरी है, जैसे आगे ज़रूरत पड़ेगी तो उसे चीज़ मांगी जाएगी। अब कैंडिडेट का सिलेक्शन है तो उसकी आप बात, तो जो कैंडिडेट अब जिन कैंडिडेट ने ट्रेड अप्रेंटिस के लिए अप्लाई किया है उनको कैंडिडेट को रांची या कोलकाता में से दोनों में से एक जगह का वो ऑप्शन चूज कर सकते हैं कहाँ उनको ट्रेनिंग करनी है। जो इनकी सिलेक्शन होगा वो मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन किया जाएगा। जो इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्राप्त किया उसके आधार पर कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद स्टाइपेंड की अपन बात करें तो स्टाइपेंड आप देख सकते हो, ट्रेड अप्रेंटिस फ्रेशर है उनको फर्स्ट ईयर 6,000 और सेकंड ईयर 6,600 रुपये मिलेंगे। फिर ट्रेड अप्रेंटिस आईटीआई होल्डर्स है उनको 7,000 और 1,700 रुपये मिलेंगे। ग्रेजुएट अप्रेंटिस को 15,000 रुपये मिलेंगे जो कोलकाता में करेगा, और टेक्नीशियन अप्रेंटिस को 10,000 रुपये जो कोलकाता में करेगा, और रांची में जो करेगा उसको 9,000 रुपये मिलेंगे। उसके बाद नीचे कुछ जनरल कंडीशंस दी हुई है, ज़्यादा जानकारी के लिए आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.grse के ऊपर जाकर सारे डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ये इसका नोटिफिकेशन था जिसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर कर लिए। मेन बात यह है कि इसमें जो आईटी पास आउट कैंडिडेट है उनके लिए अच्छी संख्या में वैकेंसीज निकाली गई है। जो कैंडिडेट 10th पास है जिनके पास आईटीआई की योग्यता नहीं है वो भी इसमें जो ट्रेड अप्रेंटिस फ्रेशर है उसमें अप्लाई कर सकते हैं, अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अभी इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, तो जिन कैंडिडेट्स को फॉर्म भरना है सबसे पहले तो उन्हें एनईपीएस पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करना है। जो डिग्री होल्डर्स डिप्लोमा होल्डर है उन्हें एनईटीएस पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करना है। फिर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप करना है। इसमें आप देख सकते हो कि डिप्लोमा और टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए भी अच्छी संख्या में वैकेंसीज निकाली गई है। 12 महीने की ये ट्रेनिंग होगी, इसमें स्टाइपेंड है वो जो
अप्रेंटिस रूल है उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट को पेड किया जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना, उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगा जहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।